मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिला के बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग कार्निवल का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री गत साय बीड में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के समापन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका बीड बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं के बेहतर आयोजन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और यहां लैंडिंग साइट के आसपास भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने पुलिस चौकी बीड को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बीड पैराग्लाइडिंग साइट जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट बोल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यहाँ और भी वर्ल्ड क्लास की पैराग्लाइडिंग की फंक्शंस होंगे, प्रतियोगिताएं होगी। उसमें मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से पूरा योगदान बीड बिलिंग एसोसिएशन को दिया जाएगा। बीड बिलिंग एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तो बहुत टूरिज्म की भी संभावना है और पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भी संभावना। मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज अवधि अगले साल मार्च में खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए हर दृष्टिकोण से काम कर रही है। देखिए, अभी लीज के बारे में बात चल रही है और प्रदेश सरकार की जो उनकी लीज है वो मार्च में खत्म होने वाली है। हम उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं कि हमने उसको कैसे टेक। इस प्रतियोगिता के ओवरऑल वर्ग में नेपाल के अमन थापा पहले, नेपाल के ही विशाल थापा दूसरे और भारत के चित्रा सिंह तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में ओवरऑल प्रतियोगिता में भारत की अलीशा कटोच पहले, नेपाल की रीता श्रेष्ठ दूसरे और भारत की अदिति ठाकुर तीसरे स्थान पर रही। अभी तो बहुत एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो 1.5 लाख रुपए जीत गए हम। हाँ सर, इससे पहले वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन के लिए मेघालय पे जो हुआ था उसमें किया था मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा था कंपटीशन तो, और यही है कि मेहनत की थी तो उसका श्रेय मैं अपने गुरुप्रीत इंसा को देती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था जो अभी मैं बिंग यूज़ कर रही थी वो मेरा अपना नहीं है, वो मैंने किसी और से स्कूल से लिया हुआ है, तो किट भी मेरी अपनी नहीं है अभी तक। अभी स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे, पहला ये था, धीरे धीरे आगे आगे करेंगे पक्का। इस प्रतियोगिता में 5 देशों के 103 पायलटों ने हिस्सा लिया।